वेलकम टू ऑनलाइन डाटा फर्स्ट स्टडी बेस्ट प्लेटफॉर्म लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट स्टडी चल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर के पार्ट से होंगे 16 फरवरी 2021 के लिए। जैसा कि आपको बताया उत्तर प्रदेश के अंदर जूनियर वैकेंसी आ चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही सही मौका है अपनी प्रिपरेशन को पूरा करने का। और लगातार आप सभी को करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आप सभी को यहाँ से मिलते रहेंगे। जल्दी इस वीडियो को सुबह आप सभी को प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को रिविजन करने में और भी बेहतरीन चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट सीरीज लगाना। आप कितने भी कॉन्सेप्ट क्यों ना पढ़ रहे हो, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं आपकी प्रिपरेशन रहेगी अधूरी, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से एक्यूरेसी और टाइमिंग में बदलाव आएगा। तो ऐसे में टेक्स्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज में, जिसके टेस्ट सीरीज 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक लगा चुके हैं, वो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं UPTET के लिए 86 मॉक टेस्ट। साथ में आपको रीट के भी मिलेंगे लगभग 154 टेक्स्ट बुक के पास, जो कि आप सभी जाकर के ले सकते हैं। तो UPTET के साथ में रीट की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यूपी की अदर वैकेंसीज के लिए यूपी लेखपाल के लिए 43 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिसमें 4 बिल्कुल फ्री हैं। साथ में यूपी एसआई के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करें तो 61 टेस्ट आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक पर, जो कि 3 बिल्कुल फ्री होंगे। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए 163 मॉक टेस्ट, साथ ही आरआरबी ग्रुप डी के लिए 170 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आपको रेलवे एसएससी डिफेंस और 200 से ज्यादा एग्जाम के 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट 1 साल के लिए मिलेंगे सिर्फ 299 में। मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे OAS कैपिटल में 10 लगाएंगे तो इस पर आपको मिलेगा 30 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पाइए, अवेल करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी अवेल करिए। सभी मॉक टेस्ट को लेने के लिए 299 में आप जा सकते हैं, जिसमें आपको 30 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा OAS 10 के साथ। बाकी अलग अलग आप बाई करना चाहते हैं तो जाइए लिंक पर क्लिक करिए और अभी अवेल कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है, भारतीय सेना ने गुलमर्ग में कितने फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप कभी जम्मू कश्मीर गए हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए गुलमर्ग, ठीक है। अगर आप गुलमर्ग में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सभी को स्पेशल टैक्सी करनी पड़ेगी जम्मू से, लेकिन यहाँ पर जो बर्फ़ की कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने घरों को छोड़कर 2 से 3 महीने के लिए आसपास के ज़िलों के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि पंजाब का पठानकोट या फिर और भी जो ज़िले पड़ते हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है गुलमर्ग के अंदर 100 फीट नीचे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्र ध्वज को यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसे में आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो आधारशिला है वो कहाँ रखी है। प्रसिद्ध इसकी रिसोर्ट के अंदर सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है, जो कि 100 फीट ऊंचा झंडा है। घाटी का सबसे ऊंचा झंडा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, नीचे आपके सामने इमेज भी आ जाती है। अब ऐसे में आप सभी को याद रखना है किसके द्वारा रखा गया है। तो आप सभी को पूछा जा सकता है कि आधारशिला किसने रखी है, डैगर डिवीजन जनरल ऑफिसर एंड कमांडिंग मेजर जनरल वीरेंद्र सर के माध्यम से रखा गया, वीरेंद्र भट्ट सिंह का पूरा नाम है। साथ में कौन कौन वहाँ मौजूद है ये भी आप सभी को याद रखना है। अगर बात करें अभिनेता और निर्माता अरबाज खान के साथ अभिनेत्री विद्या बालन भी वहाँ पर उपस्थित रहीं। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ABCD में से आप सभी को बताना है 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है, जिसको हम वर्ल्ड यूनानी डे भी कहते हैं। तो ऐसे में इसका उद्देश्य क्या है वो तो आप जानते हैं कि निवारक उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा की पद्धति के मदद स्वास्थ्य और साथ में देखभाल मुहैया कराने के लिए समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, तो पहला यूनानी दिवस कब मनाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, 2017 में मनाया गया था। किनकी याद में मनाया जाता है, तो उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि हकीम अजमल खान थे। साथ में आप सभी को याद रखना है CRIUM, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, हैदराबाद में मनाया जाता है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना 2017 में सबसे पहले इन्होंने यहाँ मनाया था। साथ ही हकीम अजमल खान की अगर बात करें, आप सभी को पता होना चाहिए हकीम अजमल खान जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हकीम अजमल खान एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक के साथ साथ महान विद्वान, समाज सुधारक, लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी, यूनानी चिकित्सा शिक्षाविद, साथ ही अगर बात की यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक भी थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा नई दिल्ली आप सभी को पता होगा जामिया मिलिया और इस्लामिया के संस्थापक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना इतनी जानकारी, नीचे आपके सामने जो इमेज है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जिस क्वेश्चन से संबंधित कोई अगर सवाल होंगे तो वो आपको नीचे लिख करके भी दे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है ना अशदीप, इन्होंने 2018 के अंदर जीता था, आप सभी को पता होना चाहिए। बट इस बार की अगर 2021 का आप सभी से पूछा गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट इरविन इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
रॉबर्ट इविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का जो पुरस्कार है वो जीता है। अब ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलियन है, आप सभी को याद होना चाहिए। रॉबर्ट इविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड यहाँ पे उनको सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है रॉबर्ट ने बुश फायर की अगर बात करें नामक इमेज के लिए पुरस्कार जीता है, जो 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर को लेकर तस्वीर है, जिसमें केप यॉर्क के साथ ही अगर बात करें क्वींसलैंड और स्टीव इरविन और साथ में वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन से इस्तेमाल करके उन्होंने एक इमेज दी थी जो कि झाड़ियों के बीच में इसे अलग अलग भागों में विभाजित कर रही थी। साथ में आग की जो पंक्तियां हैं वो भी देखने के लिए मिली थी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, तो ऐसे में इनके माध्यम से जो इमेज ली गई थी उसी के लिए यहाँ पे इनको जो पुरस्कार है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है, तो ऐसे में आप सभी को बताना है कि SBI के FY का मतलब हम यहाँ पर कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, जिसको हिंदी में वित्त वर्ष कहा जाता है। FY का मतलब है फाइनेंशियल और Y का मतलब है ईयर, ठीक है, तो हिंदी में क्या कहते हैं वित्त वर्ष, ठीक है। वित्त वर्ष के लिए GDP प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो SBI ने 2021 की बात की गई है ना, तो ऐसे में आप याद रखना, माफी जी 2122 की बात है, जब कहीं पे अगर आपके सामने लिखा है वित्त वर्ष 21 तो आप मान के चलिए कि वो 2122 की बात है, और जब वो लिखा है 20 तो वो 2021 की बात है, ठीक है। तो ऐसे में जो 2122 के लिए SBI का ऐसा मानना है कि जो भारत की वित्त वर्ष होगी लगभग -7.0 के आसपास रहने की संभावना है, जो कि इन तीनों में से किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ने आर्थिक अनुसंधान विभाग के माध्यम से फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की GDP अनुमान को संशोधित कर 7.0 तक संकुचित कर दिया है। इससे पहले अगर बात करें जो GDP का अनुमान था लगभग 7.4 पर था, तो ऐसे में SBI रिसर्च रिपोर्ट की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए अपना जो सकल घरेलू उत्पाद प्रूफ अनुमान लगाया है उन्होंने लगभग 11% के समथिंग है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि SBI के माध्यम से 7.0 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीचे आप लोग इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, कर्नाटक का 31वां जिला बना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो कर्नाटक की बात की गई है ना, 31वें जिले को लेकर बात की गई है, विजयनगर, अजयनगर, रामनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन इसके आप सभी के देखने के लिए मिलेंगे, इसमें से आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो ऐसे में ये तो आप सभी से पूछ लिया कि भाई विजयनगर है, विजयनगर के बारे में अगर आपसे पूछ लिया गया कि विजयनगर ही क्यों रखा है, अजय क्यों नहीं रखा, राम क्यों नहीं रखा, तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पर जो जिस जगह से तोड़ करके जिला बनाया है, अलग किया है, उसमें अगर हम बात करें यहाँ पर जो साम्राज्य के कहीं ना कहीं शासित थे उनका नाम विजय था, तो उन्हीं के नाम पर विजयनगर रखा गया है। अब किस में से अलग किया गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बेलारी करके एक पहले जिला था, बेलारी में से कहीं ना कहीं अलग करके विजयनगर बनाया गया है, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो विजय क्यों रखा और किस में से निकला ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। तो विजयनगर के अंदर 6 तालुका होंगे, हॉसपेट इसका मुख्यालय होगा, नए जिले की कुडलिगी और साथ में हगारी मोनाली, मतलब ये इनका नाम है कुछ यहाँ पर, साथ में अगर बात करें कोटुटुरु, होबिना, हदगली और साथ में हरपनली अन्य तालुक भी देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अगर बात करें यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल हम्पी स्मारकों में से प्रतिष्ठित क्लस्टर विजयनगर का हिस्सा होंगे, तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती जिले के बारे में साथ में तमाम जानकारी, लेकिन अगर आप सभी से पूछ लिया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तो आपको याद रखना है, फोटो के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं, BS येदियुरप्पा आप सभी देख पाएंगे, साथ में बाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने आता है, राइट आंसर आपको बताना है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है किसके माध्यम से किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है। शिखर सम्मेलन का विषय आप सभी से पूछा जा सकता है, तो आप सभी याद रखिएगा हिंदी के अंदर क्या है, हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और साथ में सुरक्षित वातावरण, इस बार का विषय रखा गया। तो ऐसे में आप सभी को बिल्कुल याद रखना है, कभी पूछा भी जा सकता है। अगर बात करें मैं आप सभी को इंग्लिश के अंदर ही बता दूं, रेडिफाइनिंग आर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ठीक है। अगर हम बात करें WSG शिखर सम्मेलन द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, मतलब TERI जिसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा रखा गया था, जिसका 20वां संस्करण है, आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, नीचे आपके सामने इमेज भी आ जाती है।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2021 मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि इसके अंदर शायद मैंने ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के बारे में, हर साल जो मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो मनाया जाता है फरवरी के सेकंड वीक के अंदर मनाया जाता है, और सेकंड वीक का जो सोमवार था, मंडे की जिसकी हम बात करें, वो शायद 8 तारीख को था। ठीक है ना, थोड़ी दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस फरवरी के दूसरे सप्ताह मतलब कि सोमवार के दिन मनाया जाता है। तो दूसरे सोमवार हम कह सकते हैं, सप्ताह की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे में यहाँ पे जो पढ़ा था वो 8 तारीख को पढ़ा था, आई थिंक, ठीक है ना, आप चेक कर लो, 8 तारीख को ही देखने के लिए मिला था। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन मैंने आप सभी को लिख करके बता दिया, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे तो आप सभी को पता ही था, है ना। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर हो जाता है 8 हो जाता, क्योंकि आज भी मंडे ही है, है ना। साथ ही अगर बात करें, इस दिन का जो आयोजन है वो संयुक्त रूप से इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी मतलब IBE और साथ में इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी मतलब कि ILAE दोनों ने मिलकर किया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका जो उद्देश्य है, जिससे कि और भी दोस्तों परिवारों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर करने के लिए, मिर्गी को यूनोलॉजिकल विकास साथ में व्यक्ति के संवेदी बाधा का अचानक आप तक एपिसोड गुजरता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके लिए यहाँ पर उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को इसके बारे में समझाने के लिए, और इतनी कहीं ना कहीं चीज़ों को यहाँ पर रखने का जो प्रयास है वो किया जाता है, इसका जो उद्देश्य है, इसीलिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी के सेकंड मंडे के लिए। तो मंडे कब था? 8 तारीख को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन 8 फरवरी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखना। नीचे आप सभी के सामने जो इमेज है वो देखने के लिए मिल जाएगी, और इसके अंदर लिखा भी हुआ है, अगर हम बात करें सेकंड मंडे इन फरवरी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में अगर बात करें, किस एयरपोर्ट ने वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर, ठीक है, वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है, किसने जीता है, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर ने, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं BIAL, ठीक है। या फिर अगर बात करें कैंपो गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर ने यहाँ पर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। वर्ल्ड अगर बात करें, वॉइस ऑफ द कस्टमर उन हवाई अड्डों को मान्यता देता है जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं कि उनकी आवाज़ को साल 2020 में COVID-19 की महामारी के दौरान सुना भी गया था, ठीक है। तो ऐसे में किसको मिला है? बेंगलोर को मिला है। तो बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ACI के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ASQ कार्यक्रम के माध्यम से यात्री प्रतिक्रियाएं एकत्रित करने में महत्वपूर्ण प्रयास किया। इससे ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली और साथ में परिस्थितियों को एक बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए प्रतिबद्ध करने का जो प्रयास है वो किया गया। ऐसे में BIAL, जिसको मैंने कहा था बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, की अगर बात करें, BIAL के तहत 2020 में COVID-19 के प्रकोप के बाद में संदेश फैलाने के लिए यात्रियों के विश्वास पुनर्निर्माण के लिए इन्होंने अभियान भी चलाया था, जो था #BIAL4U, ठीक है। नीचे इमेज के माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा बेंगलोर एयरपोर्ट, अगर आप गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। आपसे पूछा है, किस देश के होप, जो कि अंतरिक्ष यान है, ठीक है, उसका नाम क्या है? होप, मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। तो भारत का तो नहीं है, है ना। अब किसका, ये आप सभी को याद रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, UAE। UAE की अगर बात करें, संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यान जिसका नाम है होप, होप ने मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। UAE संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप, भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। कक्षा में अंतरिक्ष यान सफल प्रक्षेपण के साथ में UAE के वैज्ञानिक अब ग्रह वायुमंडल में अध्ययन करने के लिए कहने के प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। बाकी आप सभी से बस इतना ही पूछा जाएगा, क्योंकि इंडियन नहीं है, बस आपको इतना याद रखना कि प्रवेश किया है, किसने भेजा है, साथ में UAE के बारे में आपको याद रखना, राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद नयान, आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। नीचे आपको इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, जो कि प्रवेश किया है, आप सभी को देखने के लिए मिली है। साथ में जितनी जानकारी मैंने अभी आपको बताई UAE के बारे में, वो सब आपके सामने लिखी हुई होगी, जिससे कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो UAE के खलीफा आप सभी को याद रखेंगे तो आपको राष्ट्रपति का नाम याद हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने पहले सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, RBI कितने करोड़ का बॉन्ड खरीदेगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बात है वो की गई, उनकी तरफ से घोषणा की गई है।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000 करोड़ रुपए का जो बॉन्ड है वो खरीदेंगे कौन, आरबीआई। आरबीआई ने घोषणा की है कि बस 4 सरकारी प्रतिभूति जी सैक अगर बात करें खरीदेगा जिनकी कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपए के समथिंग होगी। केंद्रीय बैंक इसे 10 फरवरी 2021 को ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको हम ओएमओ के तहत कहते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से खरीदेंगे। इस कदम की घोषणा हाल ही में अगर बात करें 6.1634% के इंट्राडे को छू लेने की बढ़ रही पैदावार को बाद में आरबीआई के उच्च सरकारी उधार के बारे में चिंतित था तो ऐसे में उनके माध्यम से घोषणा की गई है। अब सवाल आप सभी के मन में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 कहाँ पर, कोलकाता में। नीचे आपके सामने लिखा हुआ है, इमेज के साथ साथ आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फोनपे के साथ में साझेदारी की है, फोनपे ने किसके साथ में साझेदारी की है यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो किस बैंक के साथ में की आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि फोनपे के साथ में साझेदारी की है। नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। तो अगर बात करें फोनपे के माध्यम से उन्होंने घोषणा की है कि वह यूपीआई मल्टी बैंकिंग मॉडल एक्सिस बैंक के साथ में भागीदारी की है, मतलब कि साझेदारी की है। अच्छा, यूपीआई मैंने आपको बताया, यूपीआई का मतलब क्या होता है आप सभी करते भी होंगे, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। साथ ही अगर बात करें फोनपे के उपयोगकर्ता एक्सिस बैंक की अगर बात करें @XE हैंडल के साथ यूपीआई आईडी बनाकर उपयोग करने का जो विकल्प प्रदान करेंगे तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। पूछा आप सभी से ये भी जा सकता है कि भाई फ़ोनपे के सीईओ कौन है, तो आप सभी को याद रखना है समीर निगम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुख्यालय कहाँ पर है फ़ोनपे का, बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। तो इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ABCD की जगह यहाँ पे EFG आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है वो है ऑप्शन नंबर जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जी या सी आप सभी कह सकते हैं, 11 फरवरी, बस आपको याद रखना है, ठीक है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर 11 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका प्रशंसा करने के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की संकल्प किया था, तो ऐसे में आपको याद भी रखना है। यह दिवस यूनेस्को साथ में यूएन महिलाओं द्वारा संस्थानों के सिविल सोसाइटी पार्टनर्स के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को बढ़ावा देना है, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। अब आप सभी से पूछी जा सकती है अगर हम बात करें इसकी थीम, क्योंकि हर बार थीम देखने के लिए मिलती रहती है। सो 2021 की जो थीम रखी गई, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट टू द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। एक बार फिर से सुनिए, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट टू ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। इस बार की जो थीम वो रखी है, यह पहली बार 2016 में मनाया गया था। इस दिन का पीछे का विचार आप सभी को याद रखना है, जो था विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियर साथ में गठित STM की यहाँ बात की गई है, क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की सम्मान भागीदारी के संबंध में सुनिश्चित करना था, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने उसकी जो इमेज है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस, ठीक है। तो 11 फरवरी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगर बात करें लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के बारे में, मैंने आप सभी से पूछा था जनवरी 2021 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है, तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ पंत। इसी के साथ अगर बात करें क्वेश्चन नंबर डे के बारे में, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना मिले, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिसके अंदर आप सभी से पूछा गया भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहां स्थापित किया जाएगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब